जनाबे चेयरमैन, बैरिस्टर गौहर साहब, जनाबे वकास हसन साहब और दीगर हमारे सदर बाहर बैठे हुए हैं और दीगर मौजूदगी में प्रेसिडियम और मेरे आईएमपी टाइगर्स और टाइगर्स आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह करीब खुशखबरी मिलेगी। कल इंशाल्लाह इमरान खान और मीरा बीबी बुशरा की ये जो आखिरी मुकदमा है जो इज्जत का, इंशाल्लाह कल इसमें आपको खुशखबरी मिलेगी और मुखलसी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि हमारे चेयरमैन को कौन जेल में रखता है, फिर हम देखते हैं कि बुशरा बीबी को कौन जो है बाबा सलासत रखता है। ये मजाक बंद होना चाहिए मुल्क के साथ, ये खिलवाड़ बहुत हो लिया। 11 महीने से एक शख्स जो है वो अडयाला जेल में है और फिर कहते हैं कि हम नए मुकदमात बना देंगे, ये मजाक नहीं चलेगा। और इसीलिए आज जो ये कॉन्फ्रेंस है ये आईन और कानून की बालादस्ती की बात करती है। चीफ जस्टिस काजी फैज साहब आप भी सुन रहे हैं, आप जो तकनीकी बुनियादों पर टेक्निकलिटीज में बातें कर रहे हैं ये कौम और मुल्क टेक्निकल जस्टिस को तस्लीम नहीं करेगी, ये आईन की रूह को पसंद करने के मुतरादिफ है। आपका जो फैसला बल्ला छीनने का था, हमारा सिंबल छीनने का था, उसने जमहूरियत का कत्ल कर दिया था और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तारीख में बदतरीन फैसलों में शुमार होगा जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो आप बाकी अपने हमराई जज साहबान की बात भी सुने जो कह रहे हैं कि इस मुल्क में ना इंसाफी हो रही है, जो कह रहे हैं इस मुल्क में इंसानी हकूक की पाबंदी हो रही है, जो कह रहे हैं गलत की, तो हम आपसे भी तवक्को करते हैं कि 13 जज साहबान जो है ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की मखसूस नशस्तों को बहाल करेंगे, क्योंकि आईन की रूह ही मजरूह हो चुकी है और जब आईन की रूह मजरूह हो जाए तो ये इमरानी वायदा जो है पाकिस्तान को ये ही ढांचा मिल जाता है। खुदा का खौफ करो, आपने इलेक्शन मैंडेट को डाका मारा, फॉर्म 47 के लिए 17 सीटों वाला जो है वजीर आजम बन के बैठा हुआ है, 17 सीटें सिर्फ मुस्लिम लीग ढूंढने ली है और ये समझते हैं कि ये आवाम पर डाका मारकर इस तरह से आवाम को खाइफ करके इस तरह से 144 लगाकर इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल को छीन कर इस तरह से फितर फितर करके अवाम को सलाम है। पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को बड़ा दो टोकर वाले वादे जो है अज़्म किया और उन्होंने अपना वोट के जरिए साबित किया और वो सिंबल उनको परवाह नहीं थी क्योंकि बल्ले का वोट नहीं था, ये वोट इमरान खान का वोट था, ये वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट था, ये पाकिस्तान को आवाम को मुक्तदिर करने का वोट था, ये पाकिस्तान की नस्लों को संवारने का वोट था, ये पाकिस्तान को गैरत और हमीयत के मुकाम पर पहुंचाने का वोट था और इस पे भी डाका मारा। वो किधर गया वो ताजपोशी वाला बादशाह जो कहता था कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, शर्त तुमको मगर नहीं आती, डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हो और फिर आप जो है मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए, आपने भाई को वजीर आजम बना दिया, आपने सब्दी को नायब वजीर आजम बना दिया, आपने दुख्तर नेक अख्तर बेटी को वजीर आला पंजाब बना दिया। ओ भाई बाकी तो गुलाम है ना, 25 करोड़ आवाम तो आपके गुलाम है ना, आपको तो एक
खानदान से बाहर कुछ नजर नहीं आता, इनकी जरा दौड़ के देखो, इनके ना सिर्फ पानामा लीग के किससे खत्मा भी नहीं हुए थे, दुबई लीग को जरा देख लो, इनकी जायदादें दौलतें और जमीनें तो बाहर हैं, और फिर किस मुंह से जाके लोगों को कहते हो कि आकर आप इन्वेस्टमेंट करें इस मुल्क के अंदर। ओ भाई अपनी ही जायदाद वापस लेके आ जाओ, पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे, IMF की मोहताजी नहीं रहेगी। और मैं समझता हूं कि वो अलामा इकबाल का जरा देखिएगा कि क्या खूबसूरत उसने रिंदों वाली बात की थी, और उसने कहा इस वक्त के कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, ये गालिब का शेर है, लेकिन फाका मस्ती आज इस आलम पर पहुंची है कि आप अलामान आप देखिएगा, और इससे क्या समझते हैं ये बजट जो है आवाम मंजूर करेगी, ये बजट एक हिटमैन का बजट है, ये मुआशी कत्ल है ये आवाम का और पाकिस्तान का, ये गिरवी रखा गया है पाकिस्तान को, और किस सूदी निजाम की बात करते हो, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वादे लिखा है कि ये अल्लाह के साथ हम कैफियत जंग में जा रहे हैं, ये सूदी निजाम के साथ हमारा 9.5 अरब हमारा जो है वो सूद का हमने किस्त देनी है सिर्फ, तो ये बजट का 52% जो है वो जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि होश के ना हम लोग 1971 वाली मत तहरीक को दराओ और पाकिस्तान के आवाम को और उसको हकूक वापस करो, इमरान को हम छुड़ा कर रहेंगे, और इमरान जिस दिन बाहर आया आवाम का सैर रवा होगा जो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आपको स्वागत करेगा। आईन पर अमल जारी करो और इसी में पाकिस्तान की मजबूती है, पाकिस्तान